आइए आपको कराते हैं देश प्रदेश भर की बड़ी खबरों से रूबरू। सबसे पहले आपको बता दें कि दक्षिण अमेरिका के देश इक्वेडोर में कैसे फट पड़ा ज्वालामुखी। हिंदुओं की आस्था पर एक बार फिर चोट करने की कोशिश की गई है, लेकिन यह चोट अब की बार बीजेपी सांसद की तरफ से हुई है। कांग्रेस ने देश का पैसा बर्बाद करने की ठान ली है, क्योंकि मनमोहन सिंह की आड़ में कांग्रेस ने आज भी संसद नहीं चलने दी। अपराध को रोकने के लिए यूपी की योगी सरकार ने एक नया बिल पेश किया है। दिल्ली के प्रद्युमन मर्डर केस में एक नया मोड़ आ गया है, अब एक नाबालिग आरोपी हत्यारे को बालिग मानकर यह केस चलाया जाएगा। बरनाला के कस्बा तपा के नजदीक देर रात एक लग्जरी चलती बस को आग लगने का मामला सामने आया है। यह बस देर रात गंगानगर से चंडीगढ़ को जा रही थी। आपने बहुत सी प्रेरणा देने वाली कहानियां सुनी होंगी और देखी भी होंगी, जिसमें कोई नायक अपनी सफलता के पीछे की अथक मेहनत की बातें करते हैं। बहुत से फिल्मी सितारे भी इसमें शामिल हैं। हरियाणा के भिवानी शहर में रहने वाले एक ऐसे ही शख्स जिसने चाय बेचकर बॉक्सिंग की दुनिया में नाम कमाने के लिए कदम रखा है। जैसे ही चुनाव का आखिरी चरण खत्म हुआ है, वैसे ही सभी राजनीतिक पार्टियों के दिलों की धड़कनें भी बढ़ने लगी हैं, क्योंकि इसी के साथ एग्जिट पोल ने चुनाव से जुड़े आंकड़ों का कयास लगाना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि एग्जिट पोल में एक बार फिर से बीजेपी एनडीए की भारी जीत और मोदी सरकार बनाने का अनुमान लगाया गया है। बीते कुछ दिनों से टीवी के पॉपुलर शो कसौटी जिंदगी की 2 की लीड एक्ट्रेस एरिका फर्नांडिस के शो छोड़ने की खबरें सामने आई थी। इस खबर ने कसौटी के कई फैंस के दिलों को तोड़ दिया था। भारत में खेलों का भगवान कहे जाने वाले क्रिकेट खेल की वो जंग अब शुरू होने वाली है, जिसका इंतजार हर क्रिकेट फैंस करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड कप 2019 की, जो इस बार 30 मई से इंग्लैंड में होने जा रहा है, जिसको लेकर सभी देशों की टीम ने अपनी कमर कस ली है। और लगातार हमारे साथ बने रहें, हम आपको देश प्रदेश की हर बड़ी खबरों से रूबरू कराते रहेंगे लगातार कंचन टीवी न्यूज पर। आप देख रहे हैं कंचन टीवी, आपकी आवाज़।